कि जिंदगी में अगर कोई पैशन हो और कुछ करना हो तो इंसान किसी भी तरह कर सकता है। तो आप किसी इंग्लिश मूवी की तलाश में, क्योंकि हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवा। आज मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ मूवीज के बारे में। हम मूवीज तो हम सभी देखते हैं, बच्चों को भी मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, पर हम कैसी मूवी देखें, कब देखें, क्यों देखें, ये डिसाइड हम पर होता है। हम जो मूवीज देखते हैं वो हमारे लिए, कुछ मूवीज हमें हंसाती हैं, कुछ हमें बहुत इमोशनल कर देती हैं, कुछ हमें कुछ सोचने पे मजबूर कर देती हैं, और कुछ हमें इतना प्रभावित कर जाती हैं कि उसका असर काफी लंबे समय तक हमारे ऊपर होता है। तो क्यों ना हम बच्चों को ऐसी मूवीज दिखाएं जो उन्हें प्रभावित कर दे। अक्सर हम बच्चों को समझाते रहते हैं, बेटा यही उम्र है, पढ़ लो या ये करो वो करो, जिंदगी में कुछ करो, और बच्चे सुनते 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 एक वक्त आता है कि हमें इग्नोर करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है मम्मा का या पापा का तो काम यही है, हर वक्त समझाते रहते हैं। तो क्यों ना हम कोई दूसरा तरीका निकालें जो हमारी बात उन्हें समझ में भी आ जाए और हमें कुछ कहना भी ना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें मूवीज बच्चों को दिखानी है, कुछ ऐसी मूवीज जो उन्हें देख के अच्छा भी लगे, मजा भी आए, उन्हें लगे कि हमने मूवी देखी और हम अपनी बात उस मूवी के थ्रू उन्हें बता पाए। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं, पर मैंने 5 ऐसी मूवीज की लिस्ट बनाई है जो मैंने देखी है, मैंने अपने बच्चों को दिखाई है और जिनका असर उन पर मैंने खुद देखा है। मैं क्या करती हूँ, मैं संडे को मूवी डे रखती हूँ। हर संडे हमारे घर में मूवी डे होता है। संडे को ब्रेकफास्ट के बाद या आफ्टर लंच मैं मूवी लगा देती हूँ लैपटॉप में। जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है मेरे घर पे टीवी नहीं है। मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि मैंने मेरे घर में कुछ रूल्स बना रखे हैं। वो रूल्स क्या हैं, कैसे हैं, मैं कैसे उन्हें फॉलो करती हूँ, वो जानने के लिए प्लीज़ मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें। हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी या नीचे कॉमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। वो वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं अगर मूवी की बात करूं तो संडे को हम लोग मूवी देखते हैं, मेरे घर पे टीवी नहीं है, मैं लैपटॉप में मूवी लगा देती हूँ और हम फैमिली डे, उस दिन फैमिली मूवी डे एंजॉय करते हैं। हम पूरी फैमिली, मैं तो उठ के लंच में लग गई, अगर ब्रेकफास्ट के बाद लगाए हैं, लंच के बाद लगाया तो डिनर की या शाम के नाश्ते की प्रिपरेशन लगे, पर मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे कॉन्टिन्यू मूवी देखते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें एक आध मूवीज ऐसी जो उन्हें बार बार देखनी है, तो मैं क्या करती हूँ, लगा देती हूँ, वो दोनों भाई बहन ही देख लेते हैं। तो संडे को उन्हें पता है कि आज मूवी डे है, तो वो लोग मूवी इंजॉय करते हैं। तो मैं आपसे 5 मूवीज बताने वाली हूँ जो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। उस मूवी में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी सोचना पड़े, एक आध किसिंग सीन है या थोड़ा सा ड्रेस को लेकर, ड्रेस जो लड़कियों का है इतना भी मैटर नहीं करता, क्योंकि बच्चे दिन भर टीवी देखते रहते हैं ज्यादातर घरों में। तो ये मूवीज ऐसी हैं कि आप बिना सोचे समझे दिखा सकते हैं। तो मेरी नंबर 1 मूवी है मिशन मंगल। मिशन मंगल अगर आपने नहीं देखी है या बच्चों ने नहीं देखी है तो मिशन मंगल जरूर दिखाएं। अपने इंडियन होने पे प्राउड फील होगा वो मूवी देखने के बाद। बस समझ लीजिए मैंने थिएटर में खड़े होकर क्लैप ही नहीं किया, बस इतना ही रह गया था। मैं इतना इंजॉय किया मैंने और मेरे बच्चों ने वो मूवी की मैं बता नहीं सकती। स्पेशली मेरे बेटे ने, क्योंकि वो बड़ा है तो उसने बहुत इंजॉय किया, उसने किस चीज समझी। उस मूवी में दिखाया है कभी ना हारने का जो जज्बा होता है ना, कि नहीं मुझे ये करना है, मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी, वो बच्चों के दिमाग पे एक छाप छोड़ जाएगा। मिशन मंगल नाम से ही पता चलता है कि मंगलयान के ऊपर पूरी फिल्म बनी है, मार्स पे कैसे सैटेलाइट जाती है और क्या क्या होता है उसमें, विमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया है, मतलब मूवी में बहुत कुछ। विद्या बालन तो आपको बांध के रखती है पूरी मूवी में। मजा आ गया मूवी देख के, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक इंसान अगर कुछ करना चाहे तो वो कर ही छोड़ता है। तो बच्चों को इस टाइप की मूवी दिखाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मिशन मंगल आप लगा कर रख दें, आप वहां हो ना हो, इतनी साफ सुथरी फैमिली मूवी है कि बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आपको भी बहुत मजा आएगा कि आपने बच्चों को कुछ अच्छा दिखाया। नंबर 2 पीके। पीके तो हम जानते ही हैं, सभी ने, मोस्टली लोगों ने पीके देखी, मगर आपने अगर अपने बच्चों को नहीं दिखाई तो जरूर दिखाएं। जो दुनिया में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम की जो रिलीजन के नाम पे जो डेथ हो रही है, लोगों की मर्डर हो रहे हैं, उन सबसे बहुत बड़े है ये मूवी। उस मूवी में एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर मुस्लिम्स हैं और हजारों की चादर खरीद कर किसी मजार पर अगर चढ़ाते हैं, तो उससे बेटर है कि आप उसमें किसी बच्चे के लिए कुछ कर दें, किसी की फैमिली के लिए कुछ कर दें। और जैसे हिंदू उसमें दिखाया गया है कि दूध शंकर भगवान पर जब चढ़ाते हैं, तो उससे बेटर है किसी बच्चे को दूध पिला दिया जाए। तो ये मूवीज हमारे ऊपर बहुत अच्छी एक मैसेज दे जाती है। उसमें हाँ एक आध सीन है जो, जैसे कि डांसिंग कार वाला सीन है, तो बच्चा आपसे क्वेश्चन कर सकता है, बट
वी कैन आंसर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वी मदर कैन आंसर, तो मुझे लगता है आप आंसर कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। उसके अलावा मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कलर्स पे बहुत दिखाया है कि जैसे व्हाइट कलर अगर विडो है वो पहन रही है हिंदूज में तो व्हाइट कलर क्रिश्चियन पहन रही है अपनी शादी में, ब्लैक कलर अगर नकाब का है तो ब्लैक कलर क्रिश्चियन पहन रही है फ्यूनरल में मतलब डेथ पे, तो ये सब बहुत अच्छा मैसेज है। छोटी छोटी सी चीजें आपको टच कर जाती है, मूवी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी सी मूवी है, बच्चों को ये मूवी भी जरूर दिखाएं। नंबर 3 मूवी है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक बहुत ही अच्छी मूवी है। मिल्खा सिंह जो थे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कैंप में रहे और क्या क्या कैसे कैसे करके वो एक फ्लाइंग जट बन गए। उस बारे में ये मूवी है कि जिंदगी में अगर कोई पैशन हो और कुछ करना हो तो इंसान किसी भी तरह कर सकता है। हम बिना कुछ कहे अपने बच्चे को ये चीज़ समझा सकते हैं मूवी के थ्रू। जो मिल्खा सिंह के डायरेक्टर हैं राकेश ओम प्रकाश वर्मा, उन्होंने बहुत अच्छी डायरेक्ट की है मूवी। कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ कहाँ से कहाँ चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और फरहान अख्तर तो इतने फाइनेस्ट एक्टर हैं, उन्होंने बहुत जस्टिस किया अपने रोल के साथ। तो मूवी बच्चों को जरूर दिखाएं, उन्हें बहुत पसंद आएगी। नंबर 4 मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस मूवी में इतना कुछ खास नहीं है पर ये मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है, चाहे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 हो या 2 हो। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है और स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता है तो ये मूवी आप बच्चे को दिखाएं। इसमें स्पोर्ट्स दिखाया गया है और बहुत मतलब मजेदार है, फ्रेंडशिप दिखाई गई है, लड़ाई दिखाई गई है, तो मेरे बच्चे ये मूवी बहुत इंजॉय करते हैं, मैं लगा देती हूँ, वो लोग देखते हैं। इसके बाद अगर आप किसी इंग्लिश मूवी की तलाश में हैं क्योंकि आपके बच्चों को आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी और आप चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश मूवी देखे, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं फिलहाल। ऑप्शंस तो बहुत से हैं पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ जो बिना किसी हिचक के आप दिखा सकते हैं। नंबर 1 इज बेबीज डे आउट। बेबीज डे आउट एक छोटे से बच्चे की स्टोरी, अगर आपका बच्चा छोटा है तो वो मूवी बहुत इंजॉय करेगा। वो एक साल के बच्चे ने 3 चोरों को कैसे कैसे करके मजा चखाया, कैसे वो अपने घर पहुंचा, मतलब मजेदार, इतना क्यूट सा बच्चा है। और मूवी स्टार्ट भी उस बच्चे से होती है, खत्म भी उस बच्चे पे होती है। ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, बहुत ज्यादा मूवी साइलेंट है, मोस्टली मूवी साइलेंट है, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं दिखाई गई है, पर बच्चे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे और बच्चा बहुत मजा करेगा। मेरी बेटी की फेवरेट मूवी है बेबीज डे आउट और वो बहुत मजे लेके देखती है। वो अक्सर कहती है मम्मा मुझे बेबीज डे आउट देखना है, तो वो लैपटॉप में है, वो डिलीट नहीं की जा रही है क्योंकि उसे जब तब देखनी होती है। वो एक बच्चे पे है, इंग्लिश मूवी है तो दिखाना भी बनता है। उसके बाद जो मूवी आती है जुमानजी। अभी मेरे बच्चे का सेकंड असेसमेंट का रिजल्ट जब आया था तो काफी अच्छा उसने किया था, तो हम लोग उसे जुमानजी दिखाने ले गए थे। बच्चे गेम्स बहुत से खेलते हैं, बच्चे बहुत वीडियो गेम खेलते हैं, तो वीडियो गेम के ऊपर शायद मैंने नहीं देखी पर मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय की। और सबसे बड़ी बात कि वो इंग्लिश मूवी है और उसमें काफी बातें हैं लोगों के बीच में, तो बच्चा एक इंग्लिश मूवी भी इंजॉय कर लेगा और वो मूवी भी देखेगा, तो ये दोनों ही काम हो जाएगा। मूवीज और भी बहुत सारी हैं जो हम बच्चों को दिखा सकते हैं। 3 इडियट्स है पर 3 इडियट्स में जो एक डिलीवरी का सीन है वो थोड़ा सा बड़े हो जाए बच्चे, एटलीस्ट 5 ऑनवर्ड्स के लिए है, ये 5 डाउनवर्ड्स बच्चे आराम से देख सकते हैं सारी मूवी जो मैंने अभी आपसे बताई। और 3 इडियट्स तो बनता है बॉस, मतलब वो मूवी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा हो जो बिना देखे बड़ा हो, वो मूवी तो सबको देखनी चाहिए। पर हाँ बच्चा 5 ऑनवर्ड्स है तो आप दिखाइए, उसमें एक डिलीवरी का सीन है, उसके अलावा ऐसा कोई भी सीन नहीं है जिससे आपको लगे कि मैंने क्यों दिखाई। तो ये सारी मूवीज बहुत अच्छी हैं, बच्चों को जरूर दिखाएंगे मूवीज। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके बिना कहे आपके बच्चे समझेंगे, अगर समझने वाला बच्चा है तो वाकई समझेगा। तो हम बहुत से ऐसे तरीके हैं जो हम कुछ बच्चे को समझाना चाहते हैं और समझा सकते हैं, तो ये मूवी भी उसमें से एक तरीका। तो चलिए दैट्स इट फॉर माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट ऑन मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।